हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आलू की चटपटी कतली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। इस तरीके से आप बना करके बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आती है, वो बड़े चाव से इसे खाते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए फिर इसे हम बना लेते हैं। हमने यहाँ पर आलू को छील कर अच्छे से वॉश करके ले लिया है। जिस क्वांटिटी में आपको बनाना हो आप आलू को छील कर वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से हम इसे कट कर रहे हैं राउंड शेप में, एकदम चिप्स के जैसा पतला पतला हम कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा पीसेस हम नहीं रख रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। तो हम सारे आलूओं को इस तरीके से कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे सभी वीडियोस को ईजली देख सकें। यहाँ पर हमने सभी आलूओं को कट कर लिया है इस तरीके से राउंड शेप में। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने पैन में ऑयल डाल दिया है, ऑयल को गर्म होने देंगे। उसमें हम जीरा डालेंगे। हम यहाँ पर डाल रहे हैं 2 साबुत हरी मिर्च। हम इस आप चाहें तो मिर्ची को बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ इसलिए मैं इसे कट नहीं कर रही हूँ, नहीं तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा। तो अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल दिए हैं और कटे हुए आलू को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। इन्हें 2 मिनट भून लेंगे। हम कवर कर देंगे। कवर करके हम 2 मिनट पहले पकाएंगे, फिर उसे हम दूसरी साइड से पलट देंगे। 2 मिनट हो गया है, इसे पलट लेते हैं। देखिए नीचे से ये गोल्डन हो गया है, एकदम क्रिस्पी सा। इसी तरीके से हमें सारे आलूओं को पलट पलट कर दोनों साइड से पका लेना है गोल्डन होने तक। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत आसान है। 2-2 मिनट बाद इसे चेक करते रहना है। हम इसमें नमक डाल दे रहे हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे एक बार फिर से पलट देते हैं। नमक भी मिक्स हो जाएगा और एक बार ये पलटा भी जाएगा। तो यहाँ पर हमने फिर से पलट दिया। इस तरीके से हमें इसे थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते हुए अच्छी तरीके से पका लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसे पका लिया है। ये पूरी तरीके से आलू हमारा पक गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं चाट मसाला, क्योंकि हम आलू की चटपटी कतली बना रहे हैं तो चाट मसाला डालना तो बनता ही है। तो हम मसाला डालकर अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर देंगे और फिर से कवर करके इसे हम 1 मिनट और पका लेंगे। हमारी सब्ज़ी बन करके रेडी हो गई है। आलू की चटपटी कतली अब रेडी है सर्व करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। थैंक यू।